हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेणुका वर्मा अपने चैनल बॉटनी ज्ञान में आपका वेलकम करती हूं। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं लैब असिस्टेंट के बायोलॉजी के पार्ट बी का टॉपिक है, जो कि है जनरल टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन जेनेटिक्स, यानी कि जेनेटिक्स में जो टर्म्स यूज होती हैं उसके बारे में आज हम डिटेल में देखेंगे। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन दबाकर नोटिफिकेशन स्टार्ट कर लीजिए, और अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियोज़ हेल्पफुल हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर जरूर करिए। आप लाइक करने में थोड़ा सा कंजूसी करते हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप अनलाइक भी कर सकते हैं, एंड इवन आप अपने सजेशंस जो हैं वो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आप कमेंट्स करेंगे तभी मुझे पता चलेगा कि आपको चीज़ समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। तो आज के टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम जनरल टर्म्स को लेते हैं। तो सबसे पहले जिस टर्म को हम लेते हैं वो है जीन। जेनेटिक्स जब भी हम पढ़ते हैं तो जेनेटिक्स में जीन शब्द जो है इसको हम सबसे ज़्यादा यूज़ में लेते हैं। तो जीन क्या है? जीन जो है वो डीएनए का शॉर्टेस्ट सेगमेंट होता है, जो कि किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए ज़रूरी होता है। यानी कि अगर हम ये कहें कि जीन डीएनए का वो छोटा सा खंड है, वो छोटा सा टुकड़ा है जो किसी भी लक्षण की अभिव्यक्ति के लिए ज़रूरी है, तो ये गलत नहीं होगा। तो जीन यानी कि किसी भी कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने वाला फैक्टर, ठीक है। जीन जो है इसे हम यूनिट ऑफ हेरिडिटी भी कहते हैं। हेरिडिटी यानी कि आनुवांशिकता, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। तो जीन जो है उसी आनुवांशिकता की एक इकाई होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जीन किसको डिटरमाइन करता है, किसको निर्धारित करता है? जीन किसी भी एक ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स को, बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स को डिटरमाइन करता है, उसके जैविक लक्षणों को निर्धारित करता है। जीन क्रोमोसोम के ऊपर पाया जाता है, यानी कि गुणसूत्र के ऊपर उपस्थित होता है। मेंडल जो है इसने जीन को सबसे ज़्यादा अपने जो लॉज है उसके अंदर हर जगह जो है इन्होंने जीन का यूज़ किया, लेकिन इन्होंने जीन टर्म का यूज़ नहीं किया। जीन की जगह जो टर्म इन्होंने यूज़ की थी वो थी एलिमेंट टाइप, ठीक है। तो जीन्स जो है वो टर्म मेंडल ने यूज़ नहीं की थी। इसके बाद में कार्ल कॉरेंस नाम के जो साइंटिस्ट आए, उन्होंने जीन्स को फैक्टर्स कहा। अब जो मेन साइंटिस्ट हैं वो हैं डेनिस बॉटनिस्ट विलियम जॉनसन। विलियम जॉनसन वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने जीन टर्म को यूज़ किया था, और बाद में जो है उन्होंने कहा कि मेंडल ने जिस हेरिडिटी के लिए जिस यूनिट का जिक्र किया है, जिसके बारे में बताया है, वो जीन है। तो मेंडल ने जीन के बारे में सबसे ज़्यादा यूज़ किया, लेकिन उन्होंने उसको जीन शब्द नहीं कहा, ठीक है। जीन शब्द किसने कहा, ये चीज़ आप प्लीज़ नोट कर लीजिए। विलियम जॉनसन जो कि एक डेनिस बॉटनिस्ट है, उन्होंने जीन शब्द का यूज़ किया था। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये देखिए, ये क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर गुणसूत्र है, क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम किसका बना होता है? डीएनए का बना होता है। और डीएनए का जो सबसे छोटा सेगमेंट होता है, उसे खंड होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम जीन कहते हैं। दूसरी टर्म है जीनोम। जीन हमने पढ़ा, अब हम जीनोम के बारे में जाने। जीनोम क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो कंप्लीट जेनेटिक मटेरियल है या जेनेटिक कंपोजिशन है, उसे हम जीनोम कहते हैं। यानी कि जितना भी डीएनए आरएनए जेनेटिक मटेरियल किसी भी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, वो उसका जीनोम कहलाता है। थर्ड टर्म जो है वो है एलील्स, जिसे एलीलोमॉर्फ भी कहते हैं, और इसको हिंदी में युग्म विकल्पी कहते हैं। तो एलील जो है वो जीन का एक पर्टिकुलर सेगमेंट होता है, एक पर्टिकुलर हम ये कह सकते हैं कि किसी जीन के बारे में, किसी क्रोमोसोम पे जो जीन प्रेजेंट है वहाँ पर एक पर्टिकुलर फॉर्म जो है वो एलील कहलाती है। और एलील जो है उसका पूरा नाम है एलीलोमॉर्फ, जिसको शॉर्ट में हम एलील कहते हैं, ठीक है। अभी एलील टर्म जो है वो किसने दी थी? ये टर्म जो दी थी वो दी थी बार्टेसन एंड सॉन्डर्स ने। ये देखिए, यहाँ पर बार्टेसन और सॉन्डर्स ने 1902 के अंदर ये टर्म दी थी। और किस चीज़ के लिए दी थी? इन्होंने ये कहा था कि जीन्स के ऊपर एलील्स प्रेजेंट होती हैं जो एक दूसरे से कंट्रास्टिंग होती हैं, यानी कि कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को शो करती हैं, ठीक है। आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि एलील क्या है? एक ही जीन का अल्टरनेटिव फॉर्म है, जो कि पेरेंटल और मैटरनल दोनों ही चीज़ों को शो कर रहा है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि सेम जीन पर, हम सभी जानते हैं कि कैरेक्टर्स डोमिनेंट होते हैं, रेसेसिव होते हैं। तो जीन पर जो डोमिनेंट और रेसेसिव कैरेक्टर्स हैं, जो कि पेरेंटल हैं, या हम ये कह सकते हैं कि माँ और पिता से आए हैं, पैटर्नल और मैटरनल कैरेक्टर्स हैं, तो उन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को जीन पर जो पर्टिकुलर फॉर्म या हिस्सा या पार्ट शो करता है, उसी को हम एलील कहते हैं, ठीक है।
जैसे कि प्लांट हाइट की जब हम बात करते हैं तो प्लांट की हाइट को हम दो प्रकार से दिखाते हैं, टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस। तो यहाँ पर टॉलनेस और ड्वार्फनेस ये दोनों क्या हैं, ये जीन के ऊपर प्रेजेंट दो कंट्रास्टिंग एलील हैं। ठीक है, टॉलनेस को जो दर्शा रहा है वो है कैपिटल TT और जो ड्वार्फनेस को दर्शा रहा है वो है स्मॉल TT। ठीक है, ठीक है। अब हम ये भी कह सकते हैं कि किसी कॉरस्पॉन्डिंग जीन्स की जो अल्टरनेटिव रूप होते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, जो है उसे हम लोकाई कहते हैं, लोकस कहते हैं। यहाँ पर हम देखिए इस एक इमेज से दोनों ही चीज़ों को क्लियर कर लेते हैं कि एलील क्या होती है और उस लोकस क्या होता है। तो एलील जहाँ पर प्रेजेंट होती है उसे हम लोकस कहते हैं। और अब देखिए यहाँ पर दो इमेज है, फर्स्ट इमेज में यहाँ पर क्या लिखा है, एलील फॉर वाइट फ्लावर, और इधर लिखा है एलील फॉर पर्पल फ्लावर। तो इसको दो अलग अलग कलर से दर्शाया गया है। तो इस पर्टिकुलर क्रोमोसोम पर या जीन के ऊपर इस पर्टिकुलर हिस्से पर क्या प्रेजेंट है, एलील प्रेजेंट है। तो एलील तो वो हो गई जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को शो करने वाला खंड है या पार्ट है, और लोकस वो हो गया जहाँ पर ये पर्टिकुलर एलील प्रेजेंट है, युग्म विकल्पी प्रेजेंट है। लोकस को हिंदी में हम कहते हैं विस्थल। इसके बारे में अभी मैंने आपको बताया कि क्रोमोसोम पर जहाँ पर एलील प्रेजेंट होती है उसे हम क्या कहते हैं, लोकस कहते हैं। देखिए इमेज के अंदर यहाँ पर हम देखें ये क्या है, एलील फॉर पर्पल और ये है एलील फॉर वाइट। तो जहाँ पर एलील फॉर पर्पल प्रेजेंट है ये वाला पार्ट जो है वो क्या कहलाएगा, लोकस कहलाएगा। वो लोकस जहाँ पर इस पर्टिकुलर फ्लावर कलर के जीन प्रेजेंट है। ठीक है, और यहाँ पर जो है वाइट कलर के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल हैं, जो एलील रिस्पॉन्सिबल हैं, वो जिस पार्ट पर प्रेजेंट होगी उसे हम उसका विस्थल या लोकस कहेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं डोमिनेंट एलील की, यानी कि प्रभावी युग्म विकल्पी की। प्रभावी युग्म विकल्पी क्या होते हैं, हमने कहा कि जीन पर जो है दो कंट्रास्टिंग एलील्स प्रेजेंट होती हैं, तो उन दोनों एलील्स में से एक ऐसी होती है जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाती है, या हम कह सकते हैं अपने आप को अभिव्यक्त कर पाती है, और दूसरी ऐसी होती है जो खुद को अभिव्यक्त नहीं कर पाती है, जिसका प्रभाव जो है दब जाता है। तो जो अपने आप को अभिव्यक्त करती है उस एलील को हम क्या कहते हैं, डोमिनेंट एलील या प्रभावी युग्म विकल्पी। ठीक है, अब डोमिनेंट एलील जो है वो खुद को एक्सप्रेस करती है। ठीक है, अब वो किसी भी कंडीशन में प्रेजेंट हो, चाहे वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट हो, चाहे वो होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट हो, अगर वो डोमिनेंट है तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगी और दूसरे कैरेक्टर को वो जो है एक्सप्रेस नहीं होने देगी। जैसे कि हम कहते हैं टॉलनेस के लिए हम कहते हैं कैपिटल T से हम उसको शो करते हैं, तो कैपिटल T एक डोमिनेंट एलील है। किसके ऊपर डोमिनेंट है, ड्वार्फ के ऊपर, जिसे हम स्मॉल T से दर्शाते हैं। तो अगर ये जो एलील है, पर्टिकुलर एलील कैपिटल T की जो बात कर रहे हैं, ये होमोजाइगस कंडीशन में होगी तब भी प्लांट जो है टॉल होगा, और अगर ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में होगी उस कंडीशन में भी ये डोमिनेंट एलील जो है अपने कैरेक्टर को शो करेगी और प्लांट टॉल होगा। दूसरा जो है वो है रिसेसिव एलील। जैसे कि हमने कहा कि एक एलील अपने आप को अभिव्यक्त करती है, तो दूसरी एलील जो है उसका प्रभाव वहाँ पर छुप रहा है, दब रहा है। तो जिस एलील का प्रभाव अभिव्यक्त नहीं हो पाता या जिसका प्रभाव छुप जाता है उसे हम क्या कहते हैं, अप्रभावी युग्म विकल्पी या रिसेसिव एलील कहते हैं। तो रिसेसिव एलील जो है वो हमेशा रिसेसिव ही रहती है। ठीक है, किस कंडीशन में, यानी कि अगर वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में है तो खुद को शो नहीं कर पाएगी, लेकिन अगर वो होमोजाइगस कंडीशन में है तो वो अपने आप को शो करेगी। जैसे यहाँ पर हमने कहा था कैपिटल T स्मॉल T, तो इस कंडीशन में हमेशा जो डोमिनेंट एलील है कैपिटल T जो कि टॉलनेस के लिए है वो शो होती है, लेकिन अगर ये रिसेसिव एलील स्मॉल TT दोनों ही होमोजाइगस कंडीशन में आ जाती है तो उस कंडीशन में ये अपने आप को एक्सप्रेस कर सकती है। यानी कि होमोजाइगस कंडीशन में रिसेसिव जो एलील है अपने आप को एक्सप्रेस करती है, जबकि डोमिनेंट एलील होमोजाइगस कंडीशन हो या फिर हेटेरोजाइगस कंडीशन हो, यानी कि समयुग्मनजी हो या फिर विषमयुग्मनजी हो, दोनों ही कंडीशन में वो अपने आप को एक्सप्रेस करती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस करती है।
रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो कैपिटल लेटर से डोमिनेंट एलील को शो किया जाता है और स्मॉल लेटर से रिसेसिव एलील को शो किया जाता है। इसके बाद अभी हमने यहाँ पर जो टर्म यूज़ की थी होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस, तो वो है क्या उसके बारे में हम बात करें तो देखिए, एक डिप्लॉयड इंडिविजुअल जो होता है उसके अंदर दो आइडेंटिकल एलील्स प्रेजेंट होती हैं। अगर ये दोनों ही एलील्स सेम हैं तो इसे हम होमोजाइगस कंडीशन या सम युग्मनजी कहते हैं। यहाँ पर आप इसको विषम युग्मनजी ना पढ़ के सम युग्मनजी पढ़िएगा, वो बाय मिस्टेक हो गया है। तो सम युग्मनजी कंडीशन कब होती है, जब यहाँ पर दोनों ही एलील्स कैसी हों, आइडेंटिकल हों, यानी कि सेम हों। ठीक है, आगे जो है वो ये है कि ये किसी भी लक्षण को, जब ट्रेट या कोई लक्षण जो है अगर वो प्योर फॉर्म में होता है तब उसको ये दर्शाती है। जैसे हम बात करते हैं कैपिटल टी और कैपिटल टी दोनों जब एक साथ प्रेजेंट होते हैं तो यानी कि दोनों ही एलील जो है टॉलनेस के लिए आइडेंटिकल हैं, दोनों एक साथ प्रेजेंट हैं, यानी कि वो क्या हो गई, वो जो है टॉलनेस के लिए है, तो होमोजाइगस कंडीशन है टॉलनेस के लिए, तो प्लांट जो है टॉल होगा। और सेम इसके ऑपोजिट अगर हम बात करें स्मॉल टी टी यानी कि ड्वार्फनेस के लिए जो एलील रिस्पॉन्सिबल है, अगर वो दोनों एक साथ प्रेजेंट होती है तो प्लांट जो है ड्वार्फ होगा। दोनों ही कंडीशन यानी सिमिलर एलील जब भी प्रेजेंट होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम सम युग्मनजी कहेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कैपिटल ए कैपिटल ए दोनों ही सिमिलर है, तो एलील्स जब भी सिमिलर होती हैं तो उसे हम होमोजाइगस या फिर सम युग्मनजी कहते हैं। ठीक है, अब होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म जो हैं वो जब सेल्फ पॉलिनेटेड होते हैं या हम कह सकते हैं कि वो इनब्रीड करते हैं तो हमेशा उनसे जो प्रोजेनीज प्राप्त होती हैं वो कैसी होती हैं, उनकी जो संतति होती हैं वो ट्रू ब्रीडिंग के थ्रू होमोजाइगस फॉर्म में होती है। इसके बाद जो सेकेंड टर्म है वो है हेटेरोजाइगस यानी कि विषम युग्मनजी, जो कि सम युग्मनजी का बिल्कुल विपरीत होगी। कैसे विपरीत होगी, सम युग्मनजी में दोनों ही एलील जो प्रेजेंट हैं वो सिमिलर थी, लेकिन हेटेरोजाइगस या विषम युग्मनजी कंडीशन वो होगी जब डिप्लॉयड इंडिविजुअल में जो दो एलील्स प्रेजेंट हैं वो कैसी हों, अलग अलग हों, तो उसको हम विषम युग्मनजी कहेंगे। एग्जाम्पल है कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसको हम क्या कहेंगे, इम्प्योर ट्रेट कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर दो कैरेक्टर्स की या दो एलील्स की मिक्सिंग है। तो ये क्या हो गई, ये हो गई हेटेरोजाइगस कंडीशन। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पर कैपिटल बी लिखा है और यहाँ पर स्मॉल बी लिखा है, तो जब दो डिफरेंट एलील्स प्रेजेंट होती है तो उस कंडीशन को हम हेटेरोजाइगस या विषम युग्मनजी कंडीशन कहते हैं। अब ये टर्म जो है वो किसने प्रपोज की थी, देखिए ये टर्म जो है वो प्रपोज की थी बार्टिसन और सैंडर्स ने 1902 में, और किसके लिए की थी, एक जायगोट के लिए की थी, क्योंकि हम कहते हैं कि डिप्लॉयड इंडिविजुअल का जो जायगोट होता है वो दोनों ही पेरेंट्स का मिक्सचर होता है, या हम कह सकते हैं कि उसमें दो एलील्स प्रेजेंट होती हैं जो कि दो अलग अलग पेरेंट्स से मिली होती है, एक पैटर्नल और एक मैटर्नल। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है वो है हेमीजाइगस। ठीक है, तो जब कोई भी कैरेक्टर या जीनोटाइप को हम सिंगल जीन या फैक्टर से दर्शाते हैं तो उसे हम अर्धयुग्मजी या हेमीजाइगस कहते हैं। तीनों कंडीशंस यहाँ पर प्रेजेंट है, एक साथ अगर आप देखेंगे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, फर्स्ट वन इज़ होमोजाइगस, यानी कि जब दोनों एलील्स जो प्रेजेंट हैं वो सिमिलर हो, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कैपिटल ए। हेटेरोजाइगस, जब दोनों एलील डिफरेंट हो, जैसे कैपिटल बी स्मॉल बी। ठीक है, और हेमीजाइगस यानी कि जब सिर्फ और सिर्फ एक ही जीन जो है वो किसी पर्टिकुलर जीनोटाइप को दर्शा रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम हेमीजाइगस कहेंगे। तो ये तीन टर्म जो हैं वो एक साथ आती हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है वो है फीनोटाइप। फीनोटाइप क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म में जो भी एक्सप्रेशन शो हो रहा है किसी भी एलील का या जीन का, कोई भी लक्षण जो अभिव्यक्त हो रहा है उसको हम लक्षण प्रारूप कहते हैं। ठीक है, ये टर्म है वो किसने दी थी, ये टर्म जो है ये दी थी जॉनसन ने 1909 में दी थी। किसके लिए दी थी, ऑर्गेनिज्म की एक्सटर्नल जो अपीयरेंस होती है, बाह्य जो रूप होता है, उसमें जो दृश्य लक्षण होते हैं, विजिबल कैरेक्टर्स होते हैं, उसके लिए जॉनसन ने फिनोटाइप टर्म का यूज़ किया था। ठीक है, तो ये किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टर को, किसी विशेष लक्षण को या किसी ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को यानी लक्षणों के समूह को दर्शाती है। ये किसी एक इंडिविजुअल की या किसी एक ऑर्गेनिज्म या जीव की जिसमें हम बात कर रहे हैं उसका ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर होता है, यानी कि पहचानने योग्य लक्षण जो है उसे हम फिनोटाइप से दर्शाते हैं।
तो फिनोटाइप जो है वो जीनोटाइप के द्वारा ही शो होता है। कैसे, देखिए यहाँ पे हमने लिखा कैपिटल टी टी, यहाँ पे हमने लिखा स्मॉल टी टी, और यहाँ पर हमने लिखा कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो फर्स्ट वन जो है ये वाला कैपिटल टी टी, ये क्या है, जीनोटाइप है। अब इस कैपिटल टी टी का फिनोटाइप या अभिव्यक्ति क्या होगी कि प्लांट जो है वो प्योरली लंबे होंगे। ठीक है, तो वो लक्षण प्रारूप क्या हो गया, लंबे प्लांट। स्मॉल टी टी की अगर बात करें, अगेन ये जीनोटाइप है, और इसका जो फिनोटाइप या लक्षण प्रारूप है वो क्या होगा, सारे पौधे बौने होंगे। कैपिटल टी स्मॉल टी की बात करें तो यहाँ पर जो प्रभावी एलील है कैपिटल टी वो प्रदर्शित हो रही है, तो यहाँ पर कैपिटल टी का जो कैरेक्टर है, जो लक्षण है, यानी कि लंबे पौधे, वो प्रदर्शित होगा। तो जीनोटाइप जो है उसी से ये निर्धारित होता है कि उस जीव का लक्षण प्रारूप क्या होगा। अब हम बात करते हैं कैरेक्टर्स की, यानी कि गुणों की। तो कैरेक्टर्स या गुण क्या होते हैं, ये किसी भी ऑर्गेनिज्म के जनरल फीचर होते हैं, यानी कि उसकी आंखों का रंग कैसा है, पौधे की हाइट कैसी है, उस पर कैसे रंग के पुष्प आ रहे हैं, ये सब जो हैं उसे हम उस पौधे के लक्षण कहते हैं। ठीक है, अब कुछ लक्षण जो हैं वो डोमिनेंट होते हैं, कुछ लक्षण जो हैं रिसेसिव होते हैं। डोमिनेंट कैरेक्टर क्या होते हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर वो होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं, या हम कह सकते हैं कि जब हम किसी भी दो पेरेंट्स के बीच में क्रॉस करवाते हैं तो उस क्रॉस से जो प्रोजेनी प्राप्त होती है उसमें जो लक्षण हमें दिखाई देते हैं वो कैसे होते हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर्स होते हैं। और रिसेसिव कैरेक्टर कौन से होते हैं, रिसेसिव कैरेक्टर वो होते हैं जो F1 पीढ़ी में या उस संतति में उपस्थित तो हैं लेकिन प्रभावी लक्षण के कारण वो लक्षण अपने आप को प्रकट नहीं कर पा रहा। तो जो लक्षण अपने आप को प्रकट नहीं कर पाता वो होता है अप्रभावी लक्षण, जो कि अप्रभावी युग्म विकल्पी द्वारा निर्धारित होता है। और जो लक्षण अपने आप को अभिव्यक्त करता है वो होता है प्रभावी लक्षण, जो कि प्रभावी युग्म विकल्पी के द्वारा प्रकट होता है। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी में प्रभावी लक्षण क्या हुआ, लंबापन, और अप्रभावी लक्षण क्या हुआ, बौनापन। तो यहाँ पर दोनों चीज़ जो है हमें क्लियर हो गई। अब जो है हम बात करते हैं पेरेंटल जनरेशन की, जिसे हम कहते हैं पैतृक पीढ़ी। तो जब भी हम क्रॉस करवाते हैं, या हम कह सकते हैं कि कोई भी संकरण हमने दो जनकों के मध्य अगर करवाया है तो उसे हम किससे दर्शाते हैं, कैपिटल पी से दर्शाते हैं। तो वो कैपिटल पी क्या दर्शा रहा है, वो कैपिटल पी दर्शा रहा है कि वहाँ पर पेरेंट कौन है। जैसे अगर आपने क्रॉस करवाया है कैपिटल टी टी और स्मॉल टी टी के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पर पेरेंट कौन हुआ, P1 हुआ कैपिटल टी टी और P2 हुआ स्मॉल टी टी, यानी जिन दो पौधों के मध्य संकरण करवाया जाता है वो होती है पेरेंटल जनरेशन, जनक पीढ़ी या पैतृक पीढ़ी। इसके बाद बात करते हैं हाइब्रिड की। तो जब हम दो पेरेंट्स के मध्य क्रॉस करवाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो टर्म एंड कंडीशन आती है वो ये आती है कि जो दो पेरेंट हमने यूज़ में लिए हैं वो कैसे होने चाहिए, जेनेटिकली डिफरेंट होने चाहिए। तो ऐसे पेरेंट के मध्य जब हम क्रॉस करवाते हैं तो उससे जो संतति हमें प्राप्त होती है वो दोनों ही पेरेंट्स का मिक्सचर होती है, तो उस संतति को हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड कहते हैं। ठीक है, क्योंकि वो हाइब्रिड जो है वो दोनों पेरेंट्स के कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स युक्त होती है। और इस लक्षण को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को या इस प्रक्रिया को हम हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण कहते हैं। देखिए आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, कैपिटल टी टी और स्मॉल टी टी ये दोनों जो हैं पेरेंट हैं और इनसे जो प्रोजेनी प्राप्त हुई वो ही कैपिटल टी स्मॉल टी। तो कैपिटल टी स्मॉल टी जो प्रोजेनी हैं उसमें दोनों ही पेरेंट के लक्षण प्रेजेंट हैं, तो दोनों ही पेरेंट के जब लक्षण प्रेजेंट हैं तो ये जो प्रोजेनी हैं इसको हम क्या कहेंगे, हाइब्रिड प्रोजेनी या संकर पीढ़ी कहेंगे, और इस प्रक्रिया को हम संकरण या हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। अब जो संकरण या हाइब्रिडाइजेशन जो हैं ये अलग अलग टाइप के होते हैं, जो मेंडेलिज्म में हम पढ़ते हैं, जैसे कि फर्स्ट वन इज मोनो हाइब्रिड क्रॉस, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, एक संकर संकरण। यानी कि जब हम ऐसे पेरेंट्स के बीच में क्रॉस करवाएं जिसमें हम एक ही लक्षण को लेकर के चल रहे हैं तो उसे हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस या एक संकर संकरण कहेंगे। जैसे हम लंबेपन और बौनेपन के लिए जो क्रॉस करवाते हैं वहाँ पे हम जो लक्षण ले रहे हैं वो उसकी हाइट का है, पादप की हाइट का है, पादप की ऊंचाई का है, तो उसे हम क्या कहेंगे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। ठीक है, और यहाँ पर सिंगल कैरेक्टर को यूज़ में लिया जाता है। कैसे, अभी आप इमेज से जो है इसे समझ लें। देखिए ये जो इमेज है ये दर्शा रही है यहाँ पर
हमने दो पेरेंट लिए हैं, कैपिटल टी टी यानी टॉल पेरेंट और स्मॉल टी टी यानी कि ड्वार्फ पेरेंट, यानी कि जो लक्षण हमने लिया है उसके दो कंट्रास्टिंग पेरेंट्स को हमने यहाँ पर लिया है। तो इन्हें हम क्या कहेंगे, इस टाइप के संकरण को जिसमें हम सिर्फ एक ही लक्षण के पेरेंट्स को यूज़ करते हैं संकरण करवाने के लिए, उसे हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। डाईहाइब्रिड क्रॉस की जब बात करते हैं, जब हम दो पेयर्स लक्षणों के टू पेयर्स को हम अगर यूज़ करते हैं तो उसे हम डाईहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। दो लक्षणों को हम यहाँ पर एक साथ लेके चलते हैं, जैसे कि हमने लिया सीड का शेप और सीड का कलर। कैसे, जैसे सीड शेप और सीड कलर की बात कर रहे हैं, मटर की बात कर रहे हैं, तो हमने मान लीजिए एक पेरेंट जो है लिया, उसमें जो सीड था, बीज जो था वो कैसा था, गोल और पीला। यहाँ पर दो चीज़ ली, सीड का शेप भी लिया हमने, सीड का कलर भी लिया। और जो दूसरा पेरेंट हमने लिया, उसका जो सीड था वो रिंकल्ड और ग्रीन था, झुर्रीदार और हरा था। तो दो लक्षणों को जब हम एक साथ लेकर के क्रॉस करवाते हैं तो उसको हम द्विसंकर संकरण कहते हैं। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पर जो है हमने दो कैरेक्टर लिए हैं, कैपिटल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर, यानी कि दो कैरेक्टर्स जो है हम यहाँ पर लेते हैं। तो डाईहाइब्रिड क्रॉस दो लक्षण, मोनोहाइब्रिड क्रॉस जब हम एक लक्षण को लेते हैं। अब हम बात करते हैं फिलियल जनरेशन की, जिसे हम कहते हैं संतति पीढ़ी। संतति पीढ़ी क्या होती है, जब दो पेरेंट्स के बीच में हम क्रॉस करवाते हैं तो जो पहली संतति हमें मिलती है जिसे हम F1 पीढ़ी कहते हैं, उस F1 पीढ़ी का फुल फॉर्म है फिलियल जनरेशन। क्लियर, F1 यानी कि फिलियल वन। तो प्रोजेनी जो प्रोड्यूस हुई है किसी भी सेल्फ फर्टिलाइजेशन के थ्रू, उसे हम F1 कहेंगे। और उस F1 पीढ़ी से आगे जो हम प्रोजेनी प्राप्त करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम F2 पीढ़ी कहते हैं। इसके बाद जो टर्म है वो है प्योर लाइन या शुद्ध वंश क्रम। तो जब भी हमें कोई ऐसी वैरायटी मिलती है जिसके अंदर होमोजाइगस कंडीशन प्रेजेंट हो तो उसे हम प्योर लाइन कहेंगे। जैसे कैपिटल टी टी स्मॉल टी टी दोनों क्या हैं, प्योर लाइन कैरेक्टर हैं। जबकि कैपिटल टी स्मॉल टी की जब बात करेंगे तो वो प्योर लाइन नहीं होंगे, इम्प्योर कहलाएंगे, शुद्ध वंशक्रम नहीं कहलाएंगे। ठीक है, तो ऐसी कोई भी किस्म जिसमें होमोजाइगस या समयुग्मनजी दशा उपस्थित है उसे हम ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी, सत्य प्रजनक किस्म कहते हैं। इसके बाद है रेसिप्रोकल क्रॉसेस। रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है, इसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल में देख लेते हैं। तो जब हम रेसिप्रोकल क्रॉस की बात करते हैं, यानी कि हम ऐसे दो पेरेंट्स लें जिसे हम दो एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ करें, तो एक में जो पेरेंट हम मेल के रूप में यूज़ ले रहे हैं उसी को दूसरे एक्सपेरिमेंट में हम एज अ फीमेल जब यूज़ में लेते हैं तो उसे हम रेसिप्रोकल क्रॉस या व्युत्क्रम क्रॉस कहते हैं। क्लियर हुआ आपको, जैसे कि मान लीजिए कि हमने दो पेरेंट लिए हैं, एक में हमने क्रॉस करवाया है टॉल मेल एंड ड्वार्फ फीमेल का, यानी कि लंबे पौधे जो हैं वो नर हैं जबकि जो बौने पौधे हैं वो मादा हैं। तो उसका जो रेसिप्रोकल क्रॉस होगा, व्युत्क्रम संकरण होगा, उसमें दूसरे एक्सपेरिमेंट में हम क्या करेंगे, ऐसी मादा लेंगे जो लंबी हो जबकि जो पिता है या जो नर है वो बौना होगा। यानी कि जब विपरीत नर और मादा हम दो तरह के पेरेंट्स यूज़ में ले रहे हैं और दोनों ही लक्षणों को हम व्युत्क्रम रूप में यूज़ में ले रहे हैं तो उसे हम व्युत्क्रम संकरण कहते हैं। और क्यों किया जाता है ये, इस तरह का संकरण इसलिए किया जाता है ताकि हम दोनों ही पेरेंट जो हैं वो कितना कंट्रीब्यूशन एक प्रोजेनी में कर रहे हैं, कितना उसका योगदान है उसके बारे में हम जान सकें। इसको हम इस इमेज से ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं कि व्युत्क्रम क्रॉस क्या होता है। देखिए, एक क्रॉस जो है यहाँ पर इन्होंने P1 जो है वो मादा है जबकि P2 जो है नर है, और सेम इसका जो रेसिप्रोकल क्रॉस करवाया है उसमें इन्होंने P2 को मादा ले लिया है और P1 जो है उसे मेल ले लिया। यानी कि एक एक्सपेरिमेंट में जो मेल है दूसरे एक्सपेरिमेंट में उसे एज अ फीमेल या मादा के रूप में यूज़ किया जाता है तो उसे हम व्युत्क्रम क्रॉस या व्युत्क्रम संकरण कहते हैं। नेक्स्ट जो है वो है बैक क्रॉस, हिंदी में कहते हैं प्रतीप क्रॉस या प्रतीप संकरण। जो F1 पीढ़ी हमें प्राप्त होती है उस F1 पीढ़ी को हम उसके जो दो जनक थे P1 और P2 उनमें से किसी के साथ जब हम संकरण करवाते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम बैक क्रॉस कहेंगे। तो बैक क्रॉस जो है वो जेनेटिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है ताकि ये पता चल सके कि जो ऑफस्प्रिंग है उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि डिज़ायरेबल होमोजाइगस इंडिविजुअल को कैसे प्राप्त किया जा सकता है या कैसे उन्हें प्रोड्यूस किया जा सकता है। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखिए
TT और कैपिटल TT, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दो पेरेंट्स हैं, ये एक तो है हेटेरोजाइगस कंडीशन में, दूसरा है होमोजाइगस कंडीशन में। तो इससे जो प्राप्त हुआ वो क्या हुआ, सॉरी आप इसको ऐसे नहीं ऐसे समझिए, जैसे यहाँ पर दो पेरेंट हैं कैपिटल TT स्मॉल TT, इससे जो प्रोजेनी बनी वो हुई कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। तो अब ये जो F1PD है जो कि यहाँ पर है कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको हम किससे क्रॉस करवा रहे हैं, इस वाले पेरेंट से यहाँ पर जब क्रॉस करवाते हैं। तो F1PD को जब हम दोनों में से किसी एक पेरेंट के साथ में क्रॉस करवाते हैं तो उससे हम बैक क्रॉस या प्रतीप संकरण कहते हैं, ठीक है। इसके बाद है टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस या परीक्षण संकरण क्या होता है, जब हम किसी ऐसे दो पेरेंट्स के बीच में संकरण या क्रॉस करवाते हैं जिनका जीनोटाइप हमें पता नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जिसका जीनोटाइप हमें नहीं पता है उसको पता लगाने के लिए हम एक रिसेसिव होमोजाइगस पेरेंट्स के साथ में उसका क्रॉस करवाते हैं ताकि हमें रिजल्ट प्राप्त हो सके, ठीक है। तो ये क्रॉस जो है वो ये दिखाता है कि जो अननोन इंडिविजुअल था जिसके जीनोटाइप के बारे में हमें पता नहीं था, उसके जीनोटाइप को हम इस संकरण के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। तो एक टेस्ट क्रॉस तभी किया जाता है जब कोई भी डोमिनेंट कैरेक्टर वाला इंडिविजुअल, चाहे वो होमोजाइगस कंडीशन में हो चाहे वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में हो, उसका क्रॉस हम एक ऐसे पेरेंट के साथ में, एक ऐसे प्लांट के साथ कराएं जिसका जीनोटाइप हमें पता नहीं है, ठीक है। तो जब ऐसी कंडीशन में हम क्रॉस करवाते हैं तो ऑफस्प्रिंग जो हैं वो 100% डोमिनेंट होती है, अगर हमने होमोजाइगस डोमिनेंट का यूज़ किया है। लेकिन अगर हमने हेटेरोजाइगस का यूज़ किया है तो 50% डोमिनेंट और 50% रिसेसिव हमें प्राप्त होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए ये हेटेरोजाइगस कंडीशन को यहाँ पर यूज़ किया गया है, ये हेटेरोजाइगस पेरेंट्स हैं और ये एक होमोजाइगस रिसेसिव के साथ में इसका क्रॉस किया गया है। क्रॉस जब करवाया जाता है वो हमेशा होमोजाइगस रिसेसिव के साथ ही करवाया जाता है। हो सकता है कि इसका मान लीजिए हमें पता नहीं है कि जीनोटाइप क्या है, तो इसे हमने होमोजाइगस रिसेसिव के साथ में जब करवाया तो जो वेराइटी हमें मिली वो कैसी मिली, 50-50% मिली। देखिए यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी 50% और स्मॉल टी 50%, यानी कि आधे बौने और आधे जो है लंबे पौधे प्राप्त हुए। तो इससे ये पता चलता है कि जो जिसका जीनोटाइप हमें प्राप्त नहीं था या जिसका जीनोटाइप हमें ज्ञात नहीं था, उसका जीनोटाइप कैसा है, हेटेरोजाइगस कंडीशन में है, जो कि यहाँ पर हमें दिख भी रहा है कैपिटल टी स्मॉल टी। अगर ये जो है वो कैसा होता, अगर ये जो है पूरा होमोजाइगस कंडीशन में ही होता, यानी कि कैपिटल टी होता, तो सारे के सारे जो इंडिविजुअल प्राप्त होते वो कैसे होते, वो सारे के सारे डोमिनेंट कैरेक्टर वाले होते, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने ये जाना कि जेनेटिक्स में कौन कौन सी टर्म्स यूज़ होती है। आई होप ये जो टॉपिक है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बने रहे हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड टू बॉटनी ज्ञान फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज। थैंक यू।